के लिए तो कोई भी किसी को दगा कर सकता है। वो तो राजनीति में आप भी बड़े अच्छे से जानती है, मैं भी बड़े अच्छे से जानती हूँ, जो जनता देख रही है वो भी बहुत अच्छे से जानती है। एक मुद्दा चुनाव के टाइम पे आता है हिंदू मुसलमान का, हर चुनाव में अयोध्या आ जाता है, हर चुनाव में राम मंदिर आ जाता है, हर चुनाव में दंगे आ जाते हैं। चुनाव आने में एक महीना बचा है और दंगे शुरू हो जाते हैं। ये बात बहुत अजीब लगती है, न्यूज में हमेशा हिंदू मुसलमान चलता है, ये सबसे अलग बात है। अगर वो एक जाति या एक धर्म के अगर प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। धर्म लड़ा के आपको वोट लेना है तो हाथ जोड़ के विनती है आप चले जाइए। पहले हमने एक मजबूत प्रधानमंत्री सोचा था कि मजबूत प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये एक मजबूर प्रधानमंत्री है। जादूगर का जादू कांग्रेस में वापस चलेगा, फाइनल में मोदी जी की शायद वापसी होने ही वाली है। अब देखिए, भाजपा हार रही है तो कहेगी थोड़ी ना कि मैं हार रही हूँ। 24 की बात पूछे तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मोदी जी की कुर्सी लड़खड़ा रही। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीपनी जी मौजूद हैं, तो 2024 को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे 2024 में, क्या लग रहा है आपको? 2024 में अभी देखा जाए तो अभी सेमीफाइनल आने वाले हैं, 5 राज्य में चुनाव हैं। आप देखा जाए राजस्थान तो कमबैक कांग्रेस कर ही रही है, एमपी में भी कांग्रेस ही है, तेलंगाना में तो चांस है, चांस तेलंगाना में या तो कांग्रेस किंग बनेगी या कांग्रेस किंग मेकर बनेगी। मैं इसमें कह रही हूँ, मतलब 5 राज्यों में कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ है। अब मिजोरम देखा जाए तो वहाँ तो बिना बोले ही कांग्रेस का वो ही सेम बात है। तो लगभग 5 राज्यों में कांग्रेस वापस कमबैक कर रही है। और या वही दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हमारा हो रहा है कमबैक, तो कमबैक क्या वही सरकार बनाएगी? अब देखिए, भाजपा हार रही है तो कहेगी थोड़ी ना कि मैं हार रही हूँ। अच्छा है, जश्न से जा रही है, जश्न से जाती है। कांग्रेस आने वाली है, राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, जादूगर का जादू कांग्रेस में वापस चलेगा। हमारा मध्य प्रदेश भी कांग्रेस आ रही, हर राज्य में 5 राज्य हैं सेमीफाइनल में। लगभग लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी बढ़ेंगे, कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं, ये देखने वाला है। और फाइनल में मोदी जी की शायद वापसी होने ही वाली है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लाल किले पे वही झंडा फहराएंगे, देख लेना आप चाहे। देख लेंगे, आगे आने दे, समय आता है, 2024 आने वाला है। मोदी जी का शायद कमबैक भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ना जनता पसंद कर रही है और बहुत सारे एक जनता पसंद कर रही है। अगर आप महंगाई की तरफ ध्यान दिया जाए, जहां प्याज मिल रही है 80 रुपये किलो, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी दे रहे हैं उसे 25 रुपये किलो, और जनता ले भी रही है। देखिए, एक तरफ जनता कह रही थी अगर 1000 रुपये पेट्रोल हो जाएगा हम भी तब भी पेट्रोल लेंगे, ये वही अंधभक्त कह रहे थे। आज फिर से 25 रुपये किलो अगर प्याज मिल रही है, तो मैं अगर अभी जाऊँ यहाँ कहीं मंडी जाऊँ, कहीं बहुत सारी मंडी है यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ मेरे को तो दिखता नहीं कि 25 रुपये किलो प्याज मिल रही है। मोदी जी दे रहे हैं ना, मोदी जी के, अब जाहिर सा हमको यही करना पड़ेगा, मोदी जी के गेट के बाहर जाएंगे, प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाएंगे और वहाँ पे मोदी जी से बोलेंगे, मोदी जी ये लीजिए 25 रुपये और हमारे को 1 किलो प्याज दे दीजिए। हम अब डायरेक्ट जाके सब यही बोलेंगे, क्योंकि बाहर 80 रुपये किलो प्याज मिल रही है, अब इतनी महंगाई बढ़ ही रही है। हाँ, वो अंधभक्त हैं, वो 80 किलो प्याज भी ले रहे हैं। अंधभक्त नहीं, जो बाकी के लोग हैं वो भी ले रहे हैं। आपको मिली, बाकी जनता भी देख रही है, बाकी जनता को भी 25 रुपए किलो प्याज चाहिए, इतना महंगा, और 80 रुपए किलो में प्याज कौन लेगा? अब तो गरीब, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब चांद को रोटी समझ के देख के, जितना चांद होता है ना, जितना दूर से देख के हम पेट भर लेते, ऐसे ही रोटी को देखता है, चांद को वो रोटी मानता है और बस उसे देख के सो जाता है। गरीब के घर मोदी जी से खुश नहीं है, इसका मतलब आप? मोदी जी से मैं क्या, पूरे देश खुश नहीं है? अच्छा, कैसे? महंगाई देख लीजिए, एक मुद्दा चुनाव के टाइम पे आता है हिंदू मुसलमान का, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनाया, तो राम मंदिर से खुश नहीं है आप? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, खुश नहीं है आप? देखिए, मैं खुश हूँ, लेकिन एक तरफ देखा जाए मुसलमान भी हमारे भाई बहन हैं, मुसलमान भी उनको वोट देते हैं, हिंदू भी उनको वोट देते हैं। अगर वो एक जाति या एक धर्म के अगर प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर जनता खुश नहीं है तो वोट दे के उनको क्यों जिताती है? इतने साल से वो सत्ता में है, क्यों जिताती है फिर? जिताया जनता ने, मैं भी बिल्कुल कहती हूँ, 2014 में मेरे परिवार ने भी वोट दिया था। आगे जाके अब 2024 की बारी आई है, 14 से 24 तक। 2014 में आपके परिवार ने वोट दिया था? बिल्कुल दिया था।
और उनको जिताया था, अब आप उन्हीं के खिलाफ बात कर रही हैं। देखिए पहले मैं इस पे बताना चाहूँगी कि पहले हमने एक मजबूत प्रधानमंत्री सोचा था कि मजबूत प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये एक मजबूर प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए जो प्रधानमंत्री 7 साल में 7 बार रो चुका है, क्या वो प्रधानमंत्री मजबूर होगा? कभी वो गरीबी का बात ले आते हैं, कभी वो देशभक्ति का ले आते हैं, देश प्यार का ले आते हैं। तो मेरे हिसाब से 7 साल में 7 बार रोने वाला एक मजबूर प्रधानमंत्री है। 56 इंच का जो सीना कहते हैं, आज कहते ना एक अकेला सब पे भारी, एनडीए में कितने गठबंधन किए हैं इनको खुद पता चलेगा। एक अकेला सब पे भारी, इंडिया ने भी तो गठबंधन किए हैं, इंडिया ने तो गठबंधन किया, लेकिन इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम एक अकेला सब पे भारी हैं। बीच में इंडिया भी डगमगा गई थी उनका गठबंधन। देखिए होता है, गठबंधन है, कभी कोई पार्टी कुछ कहती है, कभी कोई पार्टी कुछ कहती है, अलायंस है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अब जिसमें ज़्यादा बहुमत होगी, जिस राय में, उसको चुना जाएगा। बाकी पार्टी जाहिर सी बात है नाराज़ होना लाजमी है, तो उसमें तो देख नहीं सकते कि हो रहा है। लेकिन हाँ देखा जाए तो आगे जाके इंडिया अलायंस का शायद किस्मत ज़्यादा खुलने वाली है। लेकिन आप ही के नेता जो इंडिया के अखिलेश यादव है, उन्हीं की ऐसी टिप्पणी आई थी लेके, और तब भी इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे विवाद सामने आए थे। देखिए मैंने आपको बताया ना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, विचार होते हैं। आप 10 लोगों को एक, आप ही के नेता आप ही के खिलाफ जा रहा है। देखिए गठबंधन है सब में, कुर्सी के लिए तो कोई भी किसी को दगा कर सकता है। हाँ। वो तो राजनीति में आप भी बड़े अच्छे से जानती है, मैं भी बड़े अच्छे से जानती हूँ, जो जनता देख रही है वो भी बहुत अच्छे से जानती है कि कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो वही बात चल रही है कि कुर्सी के लिए, लेकिन गठबंधन बन रहा है। शायद क्या एनडीए भी, इंडिया भारी पड़ ही रहा है, और इंडिया सब पे भारी पड़ता ही है हमेशा। तो आपको ये लग रहा जो मोदी सरकार है, मतलब मोदी गरीब बता रहे हैं, लेकिन वो गरीब बता रहे हैं, ओबीसी बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन उसी हिसाब से वो दलितों के लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए अगर ओबीसी ला के आपको वोट लेने हैं, धर्म लड़ा के आपको वोट लेना है, तो हाथ जोड़ के विनती है आप चले जाइए, क्योंकि ना कोई यहाँ पे आपको आप धर्म के नाम पे वोट देगा, ना कोई आपको एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में वोट देगा, आपको ये कोई नहीं देगा। अब तो सब आप कहना चाह रही हैं कि मुझे धर्म की राजनीति करते हैं, करते मैं कहना क्या चाह रही हूँ, करते ही हैं। हर चुनाव में अयोध्या आ जाता है, हर चुनाव में राम मंदिर आ जाता है, हर चुनाव में दंगे आ जाते हैं। ये सीक्वेंस तो मुझे समझ नहीं आता, चुनाव आने में एक महीना बचा है और दंगे शुरू हो जाते हैं, ये बात बहुत अजीब लगती है। न्यूज़ में हमेशा हिंदू मुसलमान चलता है, ये सबसे अलग बात है, और पता नहीं है कौन करता है। जनता समझदार है, अपने आप समझती है, समझाने वाली बात नहीं है। हाँ अगर देखा जाए, अगर आप 24 की बात पूछें, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मोदी जी की कुर्सी लड़खड़ा रही है। मोदी जी के काम देखिए ना आप, इतनी सारी योजनाएं चलाई उन्होंने, आवास योजना, आयुष्मान योजना, महिलाओं के लिए काम करा है, वो सब नहीं देख रही हैं आप? बहुत काम किया मोदी जी ने, बहुत ज़्यादा काम किया, मैं बहुत तहे दिल से उनकी तारीफ करती हूँ। लेकिन किसान इतने परेशान, टीचर इतने परेशान, सरकारी अध्यापक, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो परेशान, ओपीएस के चक्कर में वो परेशान बीजेपी से, कर्मचारी जो जितने भी किसान हैं वो कृषि बिल से परेशान, आम जनता नौजवान बेरोजगारी से परेशान। 2 करोड़ रोजगार की बात करी है ना उन्होंने, आपने ही बात की थी ना कि बहुत खुश है, तो मैं आपको गिनवाती हूँ कितनी खुश जनता है। कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, जितने भी नौजवान परेशान, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, जो हमारे आप देखे जाए जितने भी बेरोजगारी के चक्कर में, महंगाई से आम जनता परेशान, बुढ़ापे में सहारा ओपीएस था वो लोग बुढ़ापे में। महंगाई क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी? मेरे हिसाब से मेरे जितना मैं उस टाइम पे नहीं थी, मेरे नाना बताते थे, मेरे जो बड़े लोग थे वो बताते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे महंगाई बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही, लेकिन अगर रुपया बढ़ता था तो 1, 2 या 5 तक बढ़ता था, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। आज सिलेंडर कितना हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए, आपके घर में भी सिलेंडर आता होगा, मेरे घर में भी आता है, सब पैसे देते हैं, बहुत महंगाई बढ़ गई है। और एक स्मृति ईरानी जी आती थी, वो सिलेंडर निकाल के ले जाती थी, प्याज की माला पहनती थी, आज वो नहीं है। एक बाबा भी आते थे, रामदेव करके एक बाबा आते थे, वो कहते थे कि महंगाई कांग्रेस के टाइम पे बढ़ रही है, और आज कहते हैं क्या मेरी पूछ फाड़ लेगा तू? ये अब देख लीजिए कितना अंतर आ गया, यहाँ से यहाँ तक पार्टी तो पहुँच गई है, लेकिन पार्टी ने यहाँ पे आके कुछ काम नहीं किया, जिस पार्टी की बुराई करती थी। आपने विश्व स्तर पर काम करा है, विश्व नेता कहा जाता है उन्हें, आप नोबेल प्राइज़ ले लेंगे। अब बाहर की जनता है, जितनी भी आप अमेरिका जाएंगे, आपको एक बात बताऊँ, फन फैक्ट बताती हूँ, मोदी जी अमेरिका गए, मोदी जी ने बोला अगली बार ट्रंप सरकार, ट्रंप सरकार डूब गई,
मोदी जी फ्रांस गए, वहाँ की महिला प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ की प्रधानमंत्री भी पोस्ट से हट गई। अब ऐसे बहुत सारी जगह जाए मोदी जी गए हैं, मोदी जी हाथ मिलाया है, मोदी जी मिले, वो सरकार चली गई, नामो निशान हट गया। पर मोदी की सरकार तो है ना अभी, अब उनकी सरकार की बात कीजिए। तो इंतजार है कि मोदी जी अपने हाथ से अपना हाथ मिला लें और चले जाएं। 2024 आने वाला है, मैं भी यही हूँ, आप भी आए, जनता भी आई है, सब देख बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन 2024 में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। सब बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनसे बातचीत करी और कह रही हैं कि कांग्रेस का पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ने वाला है 2024 में, आप देख लीजिएगा। मोदी सरकार नहीं बनेगी इस बार, कांग्रेस सरकार बनेगी। तो आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहें जनता आवाज़।